हर स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है, हर स्टूडेंट जानना चाहता है कि आंसर्स को मेमोराइज कैसे किया जाए। जब पढ़ाई करने बच्चे बैठते हैं तो उनका कंसंट्रेशन लेवल जो है खराब होता रहता है। बाकायदा मैंने देखा है कि जो बच्चे बहुत क्लेवर होते हैं उन लोगों तक का मन नहीं लगता है पढ़ाई में। तो जब पढ़ाई में मन ना लगे और एग्जाम्स करीब हो और पढ़ना बहुत कुछ है, बहुत कुछ याद करना है, बहुत कुछ मेमोराइज करना है और बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स चाहिए होंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम लोगों को अपना एक टाइमिंग बनाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग 4 घंटे की हैबिट रखते हो पढ़ने की, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट 18-18 घंटे 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना है हम लोगों को। हम लोगों को दिन में 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को देना है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसमें आंसर्स मेमोराइज करने हैं। आंसर्स मेमोराइज करने के लिए हिस्ट्री के सब्जेक्ट में तो मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप लोगों को क्या करना होता है, स्टोरी समझनी होती है। बट समटाइम कुछ स्टोरीज बोरिंग होती है जिसकी वजह से हम लोग उसे मेमोराइज नहीं कर पाते, उसको हम लोग समझ नहीं पाते, तो हमें उसे याद करना पड़ता है। तो याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक ये होती है कि आप लोग 50 मिनट अपने निकालने हैं और ऐसी जगह बैठना है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में छोटा सा घर है, सब लोग होते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, एक टाइमिंग देखना है जब कोई ना हो घर पे, ये सब हैं तो बिजी है किसी ना किसी काम में, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, उस टाइम पर आप लोगों को वो 50 मिनट्स निकालने। 50 मिनट्स निकालने के बाद आपको क्या करना है, 50 मिनट्स में से अलार्म लगा लेना या फिर टाइमिंग सेट कर लेना है 50 मिनट्स का, उसमें से 25 मिनट्स कंटिन्यूअसली एक ही चीज को पढ़ाई करनी है आपको, उस सब्जेक्ट को 25 मिनट्स कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ना है। कॉन्सेंट्रेशन के साथ मतलब आपका फोन बंद होना चाहिए या फिर फोन साइलेंट पे हो, कहीं रखा हो, ईयरफोन वगैरह नहीं लगाना है, कुछ खाना पीना नहीं है उस टाइम पर, 25 मिनट्स कंटिन्यू उसकी स्टडी करना है। जब 25 मिनट्स आपके हो जाएंगे, 25 मिनट्स के बाद 5 मिनट्स का आपको ब्रेक लेना है। ब्रेक लेने में जैसे पानी पीना है, कुछ भी और कोई काम करना है, आप 5 मिनट में करके फिर रिटर्न आए और वही चीज को 20 मिनट में रिवीजन करें, तो ये 50 मिनट्स में आपका एक क्वेश्चन या फिर एक चैप्टर इजीली हो जाएगा। और अगर आप कैलकुलेट करते हैं कि एक महीने में कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो मिनिमम 30 क्वेश्चंस विल बी कंप्लीट और 30 क्वेश्चन एक पूरी बुक खत्म कर सकता है अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हैं। तो अगर सब कुछ पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो स्मार्ट स्टडी करना बहुत जरूरी है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें, जो स्टूडेंट्स है जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जिन लोगों को ये सारी चीजों में प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।